नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शस्त्र पूजन कर निकाली पथ संचालन यात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से दशहरा पर्व पर जागृति स्थल पर शस्त्र पूजन व पथ संचालन का आयोजन किया गया। संघ के वार्षिक कार्यक्रम में कई प्रमुख पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। खंड कार्यवाह अखिलेश ने बताया कि दशहरा पर्व पर मनाए जा रहे उत्सव में मुख्य अतिथि जिला संचालक डॉक्टर अवधेश तिवारी, मुख्य वक्ता की भूमिका में जिला सह कार्यवाह शक्ति पाठक व अध्यक्षता खंड संचालक चिरंजीव आर्य की रही। कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजन के साथ की गई। इसके बाद बल्दी राय बाजार में पथ संचालन यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में संघ के जिला सह कार्यवाह शक्ति पाठक ने बौद्धिक विकास व सामाजिक एकता पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता का संचार हो रहा है। यह पथ संचालन हिंदू समाज में आत्मविश्वास व जागरूकता को बढ़ाने का प्रतीक है। समाज को दिशा पहचानने की जरूरत है। कहा कि संघ की यह आयोजना सामाजिक एकता व सामुदायिक सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो हिंदू समाज को अपनी जड़ों से जुड़ने व जागरूक होने का संदेश देता है। पथ संचालन यात्रा में स्वयं सेवकों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। कार्यक्रम का समापन समर्पित समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला शारीरिक प्रमुख जितेंद्र, बल्दी राय खंड सह कार्यवाह त्रिपुरारी, शारीरिक प्रमुख दुर्गेश, सेवा प्रमुख नागेंद्र शुक्ल, प्रचार प्रमुख ब्रजनंदन सिंह, सौरभ पाठक, जिला पंचायत सदस्य बद्रीनाथ यादव, विकास शुक्ल, विनय पांडे, प्रधान कृष्ण कुमार यादव, राजधर शुक्ल, दिलीप सिंह, मुकेश अग्रहरी, संजीव सिंह, शुभम अग्रहरी, धर्मेंद्र शुक्ल आदि मौजूद रहे। राजदेव यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।